टाटा केमिकल्स के डायरेक्टर भास्कर भट्ट ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। भास्कर भट्ट ने कहा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उनकी अनदेखी की गई। इससे पहले कल टाटा केमिकल्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मिस्त्री की लीडरशिप पर भरोसा जताया था। अपने इस्तीफे में भास्कर भट्ट ने लिखा है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के स्टेटमेंट को पढ़ा है। इस स्टेटमेंट में बोर्ड मीटिंग में जाहिर किए गए उनके विचारों की अनदेखी की गई। भास्कर भट्ट ने बोर्ड मीटिंग में कहा था कि सारस मिस्त्री पर टाटा सन्स का भरोसा घट रहा है, इससे कंपनी को खतरा पैदा हो रहा है और इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनको अनदेखा किया गया, इसलिए वो टाटा केमिकल्स के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भास्कर भट्ट ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग में मिस्त्री को लेकर चिंता जताई थी जिसकी अनदेखी की गई। देखिए, टाटा सन्स टाटा केमिकल्स का प्रमोटर कंपनी है और उस प्रमोटर कंपनी के चेयरमैनशिप से साइरस मिस्त्री को निकाल दिया गया 24 अक्टूबर को, और वो उसी कारण टाटा केमिकल्स में रिस्क बढ़ गए मेरे हिसाब में, और साइरस मिस्त्री का उस टाटा केमिकल्स में चेयरमैन होना मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा। शाम को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें हमारी राय का कोई उस पर कोई क्या बोलते हैं उसको वेटेज नहीं दिया गया, तो हमने कहा कि बच्चे लोग हैं, इन्होंने सोच के स्टेटमेंट दिया होगा, तो हमने जितनी भी बात कही उसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो हमको इस बोर्ड से जुड़े रहना सही नहीं है, तो हमने इस्तीफा दे दिया। और अनुराग शाह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अनुराग, टाटा केमिकल्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने एकमत से मिस्त्री को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है, और ऐसा ही साफ तौर पर संकेत दिया खुद भास्कर भट्ट ने जी मीडिया से बातचीत में। अनुराग, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, जैसा कि कल टाटा केमिकल जी बताइए जी। बिल्कुल, जैसा कि टाटा केमिकल्स की जो बोर्ड बैठक थी उसमें ज़्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने जो पक्ष लिया था वो साइरस मिस्त्री का पक्ष लिया था, और जो भास्कर भट्ट थे उन्होंने कुछ चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि उनकी बात नहीं मानी जा रही, और उसके बाद जो है भास्कर भट्ट ने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। अभी मैं बताना चाहूँगा कि टाटा स्टील की जो आज बोर्ड बैठक थी वो भी पूरी हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि उस टाटा स्टील की बोर्ड बैठक के अंदर भी जो बड़ा फैसला जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो शायद तक जो है साइरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला दिया है, और जिस तरह से आज टाटा मोटर्स ने बीएससी के अंदर एक फाइलिंग करी और उसमें बताया है कि टाटा मोटर्स की जो है साइरस मिस्त्री को हटाने के लिए और नुस्ली वाड़िया को हटाने के लिए ईजीएम बुलाने का उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि जो टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है 26% हिस्सेदारी है, तो ये पूरा मामला अब और बढ़ने वाला, और जिस तरह से जाहिर है ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।